Dressing the man public, my attitude was fuck it. These motherfuckers love it to be a soldier. Must make they compose. Hello, public. तो अपन आगे ले फिर से नई वीडियो लेंगे। तो इसके पहले वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था कि अब आने वाली वीडियोस मिखाइल टाल के ऊपर होगी, तो ये वीडियो भी मिखाइल टाल के ऊपर है। तो यहाँ पे मिखाइल टाल के अपोनेंट थे युद्रिस नाम के प्लेयर, और ये गेम खेली गई थी रीगा में 1953 में। तो यहाँ पे मिखाइल टाल विद ब्लैक पीसेस है और जो युद्रिस है विद व्हाइट पीसेस है। तो गेम शुरू होने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मेरे को एनालाइजर नहीं हूँ कि मैं आपको मूव्स बताऊँ कि मिखाइल टाल को ये खेलना चाहिए था या उनके अपोनेंट को ये खेलना चाहिए था या ये वो बेटर मूव था उनके लिए। तो अगर आपको एनालाइजिंग वीडियो भी चाहिए तो मैं आपको एनालाइजिंग बोर्ड नेक्स्ट वीडियो में गेम के नीचे डाल दूंगा। तो चलिए अब गेम की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे जो युद्रिस से वो चालू करते हैं गेम अपनी टी फोर से किंग्स पॉन से। तो यहाँ पे मिखाइल टाल नाइट f6 c4 बाय युद्रिस g6 नाइट c3 c5 नाइट f3 डिफेंडिंग द टी फोर पॉन a6 e3 d5 बाय मिखाइल टाल। तो यहाँ पे युद्रिस एक्सचेंज करते हैं अपने पॉन को c takes d5 e takes d5 bishop e2 knight c6 और यहाँ पे जो युद्रिस है वो फिर से पॉन एक्सचेंज करते हैं c takes c5। तो यहाँ पे मिखाइल टाल ब्लैक bishop takes c5। तो यहाँ पे युद्रिस शॉर्ट कैसल करते हैं तो मिखाइल टाल भी शॉर्ट कैसल करते हैं। तो अब जो मेन गेम है वो भी यहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ पे जो युद्रिस है वो खेलते हैं a3। तो यहाँ पे जो मिखाइल टाल है वो खेलते हैं bishop g4। तो युद्रिस खेलते हैं knight d4 आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज। तो यहाँ पे मिखाइल टाल बिशप एक्सचेंज को एक्सचेंज ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। तो bishop takes a2 knight takes e2 queen d6 पर मिखाइल टाल knight f4 अटैकिंग दी d5 पॉन। तो मिखाइल टाल अपने और एक पीस को गेम में लाते और वो खेलते rook d8। तो यहाँ पे जो युद्रिस है वो खेलते हैं queen f3। तो यहाँ पे d4 बाय मिखाइल टाल, उन्होंने पॉन पीस पुश किया अपना और नाइट पे अटैक बनाई और पॉन पे अटैक बनाई। ये पॉन चाहे तो अभी ले सकते हो, बट उसके पहले जो युद्रिस है वो खेलते rook d1 और उन्होंने ये पॉन पिन कर दिया। अगर आप पॉन से पॉन लीजिए या पॉन से नाइट लीजिए, अगर मिखाइल टाल लेते अगर नाइट या पॉन तो उनकी क्वीन जा रही है। तो यहाँ पे जो मिखाइल टाल है पहले खेलते e5 knight e5। तो यहाँ पे जो क्वीन पे अटैक बनी है तो युद्रिस ने अपनी क्वीन को g3 पे रखा। तो यहाँ पे d takes c3 और मिखाइल टाल ने अपनी क्वीन फिर से सेक्रीफाइस कर दी। और ये सेक्रीफाइस आपको आगे पता चलेगी क्योंकि इसके अंदर बहुत अंदर तक गहराई तक कैलकुलेशन थी मिखाइल टाल की। अगर मिखाइल टाल सेक्रीफाइस कर रहे क्वीन तो ये समझ जाइए कि आगे जाके उनकी क्वीन प्रमोट होगी या तो अपोनेंट की क्वीन वो ट्रैप कर देंगे। तो यहाँ पे जो क्वीन सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करते हैं युद्रिस, तो यहाँ पे rook takes d6। तो मिखाइल टाल लेते हैं rook takes d6। फिर यहाँ पे बैकरैंक चेकमेट से बचने के लिए जो युद्रिस खेलते हैं s3। तो यहाँ पे knight e4 अटैकिंग द क्वीन, तो क्वीन गई h4 पे। तो यहाँ पे rook d1 विद चेक, तो क्वीन h2। तो यहाँ पे c2 बाय मिखाइल टाल और मिखाइल टाल ने देखते ही देखते अपने पॉन को 7th रैंक में पहुँचा दिया। तो knight e2 डिफेंडिंग द बिशप। तो यहाँ पे bishop d6 बाय मिखाइल टाल। तो यहाँ पे और ये bishop d6 भी आपको पता चलेगा क्यों किया मिखाइल टाल ने। तो यहाँ पे जो युद्रिस है वो खेलते f4 अटैकिंग द नाइट। तो यहाँ पे नाइट को हटाना ही पड़ेगा, तो नाइट गया d3 पे अटैकिंग द बिशप। तो यहाँ पे knight d4 अटैकिंग द c2 पॉन। तो जो मिखाइल टाल है वो खेलते g5 अटैकिंग द क्वीन। तो यहाँ पे क्वीन को हटाना ही पड़ेगा, तो क्वीन गई s6 पे। तो यहाँ पे मिखाइल टाल खेलते g takes f4। तो जो युद्रिस है वो खेलते knight f5। तो यहाँ पे g7 पे चेकमेट की थ्रेट, पर उसके पहले मिखाइल टाल खेलते f3 डिस्कवर चेक बाय बिशप। तो यहाँ पे जो युद्रिस है वो खेलते g3 अपनी चेक बचाते। तो यहाँ पे जो मिखाइल टाल है वो खेलते बिशप टेक
G3 विद अ चेक। तो यहाँ पे जो इदरीस है वो खेलते हैं नाइट टेक्स G3। तो यहाँ पे मिखाइल टाल खेलते हैं F5, अपने नाइट पे डिफेंस बनाते। तो जो इदरीस है वो खेलते हैं नाइट H5। फिर से यहाँ पे G7 पे चेकमेट की थ्रेट। तो यहाँ पे सिंपल उसका डिफेंस है रुक को F7 पे रखना, तो वही मिखाइल टाल ने किया रुक F7। तो यहाँ पे जो इदरीस है वो ये रुक को ही पिंग कर देते हैं क्वीन E6 के लिए। तो यहाँ पे मिखाइल टाल खेलते F2। उन्होंने देखते ही देखते एक और पॉन अपना एक और पॉन रैंक 7 में पहुँचा दिया। तो यहाँ पे जो इदरीस है वो खेलते बिशप D2, क्योंकि बिशप वहीं पे कितने टाइम सेट का हुआ है ना, उसको कहीं जाने की जगह है ना कुछ है, तो गेम में कुछ कर ही नहीं रहा था यूरेस का बिशप। तो यहाँ पे मिखाइल टाल बिशप ले लेते हैं, खेलते मिखाइल टाल खेलते रुक टेक्स T2। तो यहाँ पे जो यूरेस है वो खेलते क्वीन C8 विद ए चेक। तो यहाँ पे मिखाइल टाल अपना रुक लगाते और चेक को बचाते रुक F8 करके। तो यहाँ पे क्वीन C4 विद ए चेक। तो यहाँ पे किंग H8 चेक बचाई मिखाइल टाल ने। तो यहाँ पे जो इदरीस है वो खेलते रुक F1, और रुक F1 खेला तो वैसे ही मिखाइल टाल ने C1 = Q कर दिया। तो क्वीन प्रमोट कर दी मिखाइल टाल ने देखते ही देखते। तो इसके बाद जो इदरीस है वो खेलते क्वीन T4 विद चेक। तो मिखाइल टाल का ये फाइनल मूव था नाइट F6। उसके बाद जो यूजरी से उन्होंने रिसाइन कर दिया, क्योंकि अभी इस गेम को बढ़ा के कुछ फ़ायदा भी नहीं है। अब थोड़ी टाइम में ये गेम चेकमेट हो जाएगी, तो वही गेम देख के यूजरी ने रिसाइन कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।